से बस चंद कदम की दूरी रह गई है। भारत का चंद्रयान 3 चांद से बस 25 किलोमीटर की दूरी पर है और आने वाला एक एक दिन, एक एक घंटा भारत के लिए अहम होने वाला है, क्योंकि आने वाले दिनों में भारत वो इतिहास रचेगा जो पहली बार होगा। जी हाँ, ये पहली बार होगा जब कोई मून मिशन चांद के दक्षिणी ध्रुव पर लैंड करेगा। बीती रात जब आप और हम नींद के आगोश में थे, तब इसरो के वैज्ञानिकों ने वो कामयाबी हासिल की जो देश को सफलता के शिखर पर ले जाने वाली है। सुबह आँख खुली तो सबसे पहले यही खुशखबरी सुनाई दी कि इसरो के चंद्रयान 3 ने एक और बड़ा पड़ाव पार कर लिया है। उस पड़ाव का नाम है चंद्रयान 3 की दूसरी डी बूस्टिंग। चंद्रयान 3 की आज दूसरी और आखिरी डी बूस्टिंग बेहद सफल रही। चंद्रयान 3 का दूसरा और फाइनल डी बूस्टिंग ऑपरेशन शनिवार से रविवार के दरमियान रात 1:50 पर पूरा हुआ। इस ऑपरेशन के बाद लैंडर की चंद्रमा से न्यूनतम दूरी 25 किलोमीटर और अधिकतम दूरी 134 किलोमीटर तक रह गई है। डी बूस्टिंग में स्पेसक्राफ्ट की स्पीड को धीमा किया जाता है। इसरो के ट्वीट के मुताबिक अब लैंडर की इंटरनल जांच होगी और जब तक लैंडिंग साइट पर सूरज नहीं निकलता तब तक इंतजार किया जाएगा। 23 अगस्त की शाम को सबसे कम दूरी यानी 25 किलोमीटर की ऊंचाई से सॉफ्ट लैंड कराने की कोशिश की जाएगी। 23 अगस्त की शाम को चंद्रयान 3 के लैंडर को 25 किलोमीटर की ऊंचाई से चांद की सतह तक पहुंचाने में 15 से 20 मिनट लगेंगे। यही समय सबसे क्रिटिकल होने वाला है। इसके बाद विक्रम लैंडर से रैंप के जरिए 6 पहियों वाला प्रज्ञान रोवर बाहर आएगा और इसरो से कमांड मिलते ही चांद की सतह पर चलने लगेगा। इस दौरान इसके पहिए चांद की मिट्टी पर भारत के राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ और इसरो के लोगों की छाप छोड़ेंगे। जाहिर है अगर ये हो गया तो मानो हिंदुस्तान ने चांद फतह कर लिया।